हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शाहिला किचन में। आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। चलिए बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने लिए 100 ग्राम इमली, 4 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून अरारोट, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून फूड कलर, 2 चुटकी हींग, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल। इमली को मैंने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब हम उसका छिलका निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, छिलका निकाल कर अलग कर दें। छन्नी में छान लें। इमली का पानी तैयार है। अब हम फ्राई पैन रखेंगे गरम होने के लिए। फ्राई पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तेल, सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना। जब चटकने लगे तब इसमें हम डालेंगे इमली का पानी, फूड कलर डालेंगे, चीनी, नमक, काला नमक, हींग। अच्छे से चलाएं। अब हमें इसमें उबाल आने देना है। अरारोट पहले पानी में घोल लेंगे। पानी उबलने लगेगा तब इसमें अरारोट का घोल डालेंगे। चलाते जाएं, रुकना नहीं है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ने लगेंगी। मैं चलाते जाना है। 2 से 3 मिनट तक पकाएं। इमली की चटनी तैयार है।